नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके YouTube चैनल MS वल्लभगढ़ पर मैं अनिल कुमार गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो वीडियो में हमने अनेक प्रकरण पढ़े हैं, मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आई होंगी। आगे का जो आज का हमारा जो प्रकरण है वो एक सरल और सीधा प्रकरण है, उपसर्ग प्रकरण, जिसमें से कुछ एक प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो देखो, आज हम उपसर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपसर्ग प्रकरणम, उपसर्ग प्रकरणम, देखो उपसर्ग जो शब्द है, उपसर्ग जो शब्द है ये किससे मिलकर के बना है, कैसे इसकी व्युत्पत्ति हुई है और क्या इसकी परिभाषा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, उपसर्गस्य व्युत्पत्ति, उपसर्गस्य व्युत्पत्ति, देखो उपसर्ग जो शब्द है, उपसर्ग जो शब्द है इसमें उप उपसर्ग है। क्या है? उप उपसर्ग है और सृज धातु है, सृज धातु है और घञ प्रत्यय है। इनके संयोग से ये जो शब्द बना है, उपसर्ग शब्द बना है, यानी कि उपसर्ग, उपसर्ग। और ये पुल्लिंग में, ये शब्द जो है पुल्लिंग में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि घञ प्रत्यय के जो भी शब्द हैं वो पुल्लिंग में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। अब देखो, उपसर्ग की जो परिभाषा है, उपसर्गस्य परिभाषा, उपसर्गस्य परिभाषा, उपसर्ग की जो परिभाषा है इसमें प्रादेय क्रियायोगी, क्रियायोगी उपसर्ग, प्रादेय क्रियायोगी उपसर्ग, यानी कि प्रे आदि जो हमारे उपसर्ग हैं, प्रे आदि जो हमारे उपसर्ग हैं, यदि उनमें क्रिया का योग होता है वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात जो धातु से पहले जुड़ करके धातु का अर्थ परिवर्तित करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ये जो उपसर्ग हैं, आपको पता है कि धातु से पहले ही जोड़े जाते हैं। धातु से पहले एक उपसर्ग भी जुड़ सकता है, दो उपसर्ग भी जुड़ सकते हैं, यानी कि एक ही जुड़ेगा, एक भी जुड़ सकता है और दो भी जुड़ सकता है। अर्थात प्रय आदि, प्रय आदि अर्थात जो धातु से पहले जुड़ करके, धातु से पहले जुड़ करके धातु का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखो, उपसर्ग जो धातु से पहले जुड़ करके धातु का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखो, इसमें संस्कृत में जो पहली जो पूछने लायक जो है वो है कि उप
जो उपसर्ग शब्द है वो किन किन शब्दों से मिलकर के बना है, यानी कि उप उपसर्ग है, सृज धातु है, व्यंग्य प्रत्यय है, मिलकर के बना है उपसर्ग। दूसरा जो मोस्ट महत्वपूर्ण जो प्रश्न है परीक्षा उपयोगी वो है उपसर्गणाम संख्या, उपसर्गणाम संख्या। संस्कृते द्वाविंशति, संस्कृते द्वाविंशति उपसर्गः सन्ति। ये जो है ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, उसमें पूछता है कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं। तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22। पहला तो ये हो गया उपसर्गस्य व्युत्पत्ति, के उप उपसर्ग सृज धातु है और घनीय प्रत्यय है और इनसे मिलकर के क्या होना है उपसर्ग। दूसरा यह है उपसर्ग की जो प्रादेय क्रिया योगे उपसर्ग, यानी कि आपके लिए ऑप्शन में जैसे दे दिया प्रादेय क्रिया योग इतना दे दिया और बाद में पीछे ऑप्शंस में देगा उपसर्ग प्रत्यय संदेह समास है, तो आपको क्या करना है उपसर्गीय सूत्र ध्यान में रखना है प्रादेय क्रिया योगे उपसर्ग। अब देखो ये जो उपसर्ग हैं इनमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो अपने 22 उपसर्ग हैं जिनके बारे में अभी पढ़ेंगे हम, ये उपसर्ग कब माने जाते हैं, जब किसी धातु का इनमें योग हो जाता है। जैसे मान के चलो मैं आपके लिए एक उदाहरण देता हूं, जैसे प्रे उपसर्ग है, प्रे उपसर्ग है कहने में तो हम इसको हम उपसर्ग बोल रहे हैं, परंतु जब तक ये उपसर्ग नहीं है जब तक इसमें कोई धातु का योग नहीं होगा, कोई धातु का योग नहीं होगा। अब जब ये बन गया प्रहर्ति, क्या बना है ये प्रहर्ति, तो अब इसमें ये प्र उपसर्ग है, ये क्या है प्रे उपसर्ग है। यहां पर इसको हम कह रहे हो तो उपसर्ग कहते हैं परंतु पूर्णतः उपसर्ग नहीं है, क्योंकि जब तक इसमें धातु का योग नहीं होगा क्रिया योगी, क्रिया का धातु एक ही बात है, क्रिया योगी प्रयादि, प्रयादि में क्रिया का योग होने पर ही क्या होता है उपसर्ग होता है। तो जब तक धातु का योग नहीं होगा पूर्णतः उपसर्ग नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाता है, क्योंकि इनकी निपात संज्ञा होकर के और ये अव्यय कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं अव्यय कहे जाते हैं ये, इसलिए जब तक इसमें क्रिया का योग नहीं होगा तब तक ये उपसर्ग नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे धातु से पहले एक दो उपसर्ग लगाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं धातु से पहले एक या दो उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। उसके बाद में देखो दूसरी बात है कि वास्तव में इनका कोई अलग अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मान के चलो प्रे उपसर्ग है, प्रथम तेज का कोई अलग अर्थ नहीं है, और जब जैसे मान के चलो ये हृदय धातु है, ये जुड़ गई तो बन गया प्रहर्ति, तो प्रहर्ति इसका मतलब हो गया प्रहार करता है, क्या हो गया इसका अर्थ प्रहार करता है। वास्तव में जो इसका जो अर्थ बनता है वो धातु से ही बनता है, और धातु में जुड़ने पर अब जैसे प्रहार है प्रहार करता है, अब ये ही प्रे उपसर्ग किसी अन्य धातु में जुड़ जाता है, हैं अन्य किसी और धातु में जुड़ जाता है, तो फिर वो क्या है फिर वो उसका अलग से अर्थ हो जाता है। तो देखो वस्तुतः उपसर्ग का पृथक अर्थ नहीं होता है, पृथक अर्थ नहीं होता है,
नहीं होता है। ये क्रिया का योग होने पर ही अपना वास्तविक अर्थ प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं, वास्तविक अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, दूसरी जो महत्वपूर्ण जो है कि इनकी जो संज्ञा है उपसर्गस्य संज्ञा, उपसर्गस्य संज्ञा, इनकी संज्ञा है गतिश्च। क्या है? गतिश्च। उपसर्गों की जो संज्ञा है वो क्या है? गतिश्च। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अपने महत्वपूर्ण बिंदु है। उपसर्गस्य व्युत्पत्ति, उपसर्ग की व्युत्पत्ति क्या है, उपसर्ग का जो सूत्र है प्रायद्वयी क्रिया योगे उपसर्गा, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण जो है वो है संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये है उपसर्गस्य संज्ञा, उपसर्ग की जो संज्ञा वो क्या है? गति संज्ञा होती है इसकी। ठीक है ना, आगे अब हम जो अपने उपसर्ग हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने ये एक साथ यहां पर लिख दिए हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी बनती इसलिए मैंने एक साथ ये आपको लिख दिए हैं। अब देखो, मैंने ये सबसे पहले उपसर्ग, उसके बाद में एक सामान्य जो अर्थ होता है और इसके उदाहरण जो मैं आपके लिए यहां पर बताऊंगा, उसी प्रकार इधर भी उपसर्ग अर्थ और उदाहरण, 11 उपसर्ग इधर लिखे हुए हैं, 11 उपसर्ग इधर लिखे हुए हैं। सबसे पहला आता है अपना प्रय उपसर्ग। क्या आता है? प्रय उपसर्ग। हालांकि ये उपसर्ग है और इनको अव्यय भी कहते हैं, कब तक? जब तक इसमें क्रिया का योग नहीं होगा। जब क्रिया का योग हो जाएगा तब पूर्णतः क्या बन जाएंगे? ये उपसर्ग बन जाएंगे। तो देखो, प्रय उपसर्ग है, प्रय का अर्थ होता है प्रकृष्ट या अधिक, प्रकृष्ट या अधिक। अब इसके जो उदाहरण है, जैसे मान के चलो प्रय उपसर्ग है और इसमें हमने धातु जोड़ दी हरति, धातु रूप हो गया प्रय हरति। क्या हो गया? प्रय हरति। और प्रय प्लस के क्री तो प्रय करोति। क्या हो गया? प्रय करोति, प्रय करोति, प्रणमति। ठीक है, तो अनेक उदाहरण है ऐसे। तो अब इसमें हरति करोति इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रय उपसर्ग है, आप सभी पहले से ही जानते होंगे। उसके बाद में परापसर्ग है, इसका अर्थ होता है निषेध, सामान्य अर्थ होता है निषेध। उसके बाद में विरोध और उसके बाद में विपरीत। क्या होता है? विपरीत। तो देखो, इसका जो उदाहरण है एक, जैसे पराभवति, पराभवति, ठीक है, पराजयति, पराभवति। ठीक है, तो इस प्रकार अब भवति में जो उपसर्ग है वो कौन सा है? परा उपसर्ग है। अनेक उदाहरण मिल जाएंगे आपको इसके, पराभवति और
पलायते, पलायते शब्द है उसका मैं आपके लिए बताऊंगा। अब देखो कम या न्यूनता या हीनता, ठीक है। तो अब इसमें जो उदाहरण है अपने वो देखो, अप उपसर्ग का जो उदाहरण आता है वो आता है अपहरती, अपहरती, अपकरोती, ऐसे अनेक उदाहरण हैं, ठीक है। अपमान, अपहरती, अपकरोती, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है। सम, सम जो उपसर्ग है इसमें इसका अर्थ होता है सामान्य, सुष्टु, अच्छा या उचित, ठीक है। तो जैसे इसमें संस करोती, ठीक है, संस्कृत, इसमें कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है, ठीक है। तो अब देखो इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? सम उपसर्ग। उसके बाद में अनु, अनु का मतलब होता है पीछे या अनुगमन, ठीक है। तो जैसे देखो अनुगच्छति, अनुगच्छति, अनुभवती, अनुभवती, तो इस इन दोनों में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। ये बहुत ही सरल टॉपिक है, इसमें केवल आपको ये देखना है कि इसमें आगे कौन सा उपसर्ग लिखा हुआ है। अब उपसर्ग है देखो तो अवमानना, जिसको बोलते हैं तिरस्कार, ठीक है, अवमानना, ठीक है। तो उसके बाद में देखो निस् उपसर्ग है, कौन सा है? निस् उपसर्ग है। तो निस् उपसर्ग में देखो निश्चल, निश्चल, निसंदेह, ठीक है ना। तो ऐसे अनेक उदाहरण आपके लिए मिल जाएंगे। तो इसमें कौन सा, ये क्या संधि के अनुसार चलता है ये उपसर्ग, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो सही है वो क्या हो गया? निश्चल हो गया। इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? निस् उपसर्ग हो गया। उसके बाद में है निर्, जैसे निर्गच्छति, निर्गच्छति, इसका अभी अर्थ होता है मनाया, निषेध करना, ठीक है। तो इसमें निर्गच्छति तो निर्उपसर्ग हो गया और गम क्या हो गई? धातु हो गई। उसके बाद में है दुष् उपसर्ग, तो देखो दुष्करोति, दुष्करोति, दुष्फल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? दुष् उपसर्ग हो गया। दुर्पसर्ग में देखो दुर्भवती, दुराचर, दुराचरती, इस प्रकार से इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? दुरुपसर्ग हो गया। व्युपसर्ग है, व्युपसर्ग में देखो विशेष, विकार, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें भी उपसर्ग हो गया। उसके बाद में आता है आंग, देखो ये उपसर्ग आपके लिए कहीं पर तो ये मिलेगा लिखा और कहीं पर ये मिलेगा लिखा। यदि ये दोनों लिखे हुए हैं और उसमें से पूछे आपसे सही कौन सा है तो फिर आंग उपसर्ग है। यदि ये दोनों लिखे हुए हैं और यदि आपसे पूछे कि इन दोनों में सही कौन सा है तो ये उपसर्ग सही है, और यदि ये नहीं लिखा हुआ है तो फिर ये है ही है। उसके बाद देखो आंग उपसर्ग है ये, इसका अर्थ होता है विपरीत या सीमा। देखो आ गच्छति, आ करोति, ठीक है। अब उसके बाद में आता है नि उपसर्ग, कौन सा आता है? नि उपसर्ग आता है। नि उपसर्ग में देखो नियम, निषेध, तो इन दोनों में कौन सा उपसर्ग हो गया? नि उपसर्ग हो गया। अब देखो अधि उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है प्रधानता, उपरिभाव, तो इसमें अधि में अध्यक्ष, अध्ययन, कौन सा उपसर्ग हो गया? इसमें अधि उपसर्ग हो गया।
यण संधि, कौन सी संधि हो गई इसमें, यण संधि हो गई। उसके बाद में अपि, कौन सा है अपि, अपितु, कौन सा है अपितु। उसके बाद में अपि दधाति, तो अपितु अपि दधाति इनमें कौन सा उपसर्ग हो गया, अपि उपसर्ग हो गया। उसके बाद में देखो अति, कौन सा है अति, तो देखो अति में अत्यधिक, अत्यधिक अत्याचार, अत्यधिक है, तो ऐसे अनेक उदाहरण आपके लिए मिल जाएंगे अति उपसर्ग के। उसके बाद में है सुपसर्ग, कौन सा है सुपसर्ग, तो देखो सुविचार, सुनयना, सुनयति, सुनयना, शुभ सर्ग से। और एक जैसे स्वागतम, इसमें भी कौन सा उपसर्ग है शुभ उपसर्ग है, ठीक है ना। उद, अब देखो एक तो ये उपसर्ग है, एक है उद उपसर्ग। संस्कृत में, संस्कृत में आपके लिए एक तो उद उपसर्ग है, एक है उद उपसर्ग, कौन सा है उद। तो जब ये दोनों लिखे हुए होते हैं तो ये सही आएगा, क्योंकि संस्कृत में उद उपसर्ग होता है ना कि उद उपसर्ग होता है। यदि ये नहीं दिया हुआ है तो फिर ये है ही है, यदि ये दोनों दिए हुए हैं तो फिर कौन सा उपसर्ग आएगा उद उपसर्ग, कौन सा आएगा उद उपसर्ग। तो देखो उत्पत्ति, ठीक है ना, उद उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या है उत्पत्ति। उत्पल, ठीक है ना, तो इस प्रकार से कौन सा उपसर्ग हो गया हमारा उद उपसर्ग हो गया है। अभी, तो देखो अभिमानम, अभिज्ञानम, इन दोनों में कौन सा उपसर्ग हो गया अभि उपसर्ग हो गया। उसके बाद में है प्रति उपसर्ग, कौन सा है प्रति, प्रति के लिए देखो आप उदाहरण है प्रत्येकम, प्रति करोति, प्रति करोति। आगे है परि उपसर्ग, कौन सा है परि उपसर्ग, तो परि उपसर्ग में देखो पर्यावरणम, कौन सा है पर्यावरणम, ठीक है। और अगला है अपना उप उपसर्ग, कौन सा है उप उपसर्ग, तो उप में देखो स्वयं उपसर्ग भी कौन से शब्द से बना है उप उपसर्ग से, उपहरति, चलो एक उदाहरण और परिणाम। तो ये मैंने आपके एक जो इनका जो परिचय मात्र है उपसर्गों का, ये आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो अब इसमें देखो जो प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, मैं आपको यहां पर अभी 10-12 प्रश्न ऐसे बताऊंगा जिस प्रकार से, यदि प्रश्न वो प्रश्न नहीं आएंगे तो उनके तरीका के कोई ना कोई प्रश्न ऐसा आ ही जाएगा, उनको सम्मिलित करके उनको आप पढ़ करके और इन उपसर्गों को पढ़ें फिर। तो देखो इस प्रकार से ये जो उपसर्ग हैं इनके सामान्य अर्थ हैं, इनके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। अब देखो परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे आते हैं ये आपको मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं और बता रहा हूं।